नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के मुलताई नगर पालिका द्वारा मुलतापी बाल उद्यान का कार्य प्रगति पर कल सांसद डीडी उइके के हस्ते हुआ शुभारंभ। विगत कई दिनों से नगर में चल रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में मुलताई नगर पालिका द्वारा मुलतापी बाल उद्यान निर्मित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। नगर पालिका अधिकारी सहित पूरा अमला मुस्तैदी से लगा हुआ है। बाल उद्यान को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। बाल उद्यान में चारों तरफ काली डस्ट बिछाई गई है। एक तरफ ट्रक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसके आजू बाजू लाल और हरे रंग के ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जो बहुत ही आकर्षक नजर आ रहे हैं। साथ ही उद्यान की दीवारों को आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है, जिससे नगर वासियों में हर्ष की लहर व्याप्त है। कल दिनांक 30 जनवरी 2022 को सांसद डीडी उइके के हस्ते होगा शुभारंभ। नगर में प्रथम बार मुलतापी बाल उद्यान स्थापना होने जा रही है, जो पर्यावरण और मनोरंजन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक तथा रमणीय है। नगर पालिका के समस्त कर्मचारी दिन रात मेहनत करके उद्यान को आकर्षक और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। नगर पालिका अधिकारी नितिन कुमार बिजवे के अथक प्रयासों से यह कार्य संभव हो सका है। नागरिकों ने इस सौगात के लिए नगरीय प्रशासन मुलताई का आभार माना है। स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश खड़से की रिपोर्ट। मुलताई के नगर वासियों के लिए काफी सौगातें मिल रही है। कल 30 तारीख का एक मुलताई इतिहास के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य की बात के नगर वासियों के लिए काफी सौगातें देने जा रहे हैं।